तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे समरूप त्रिभुज पे, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था जो इस प्रकार से है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर बिंदु क्रमशः भुजा एबी और एसी पर स्थित है और पीक्यूबीसी के समांतर है। कह रहा कि पीक्यू रेखा त्रिभुज एबीसी को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है, तो बीपी और एबी का रेशियो बहुत ही आसान है, आप इसे मुंजवानी कर सकते, इतना आसान है। चलिए आपको हम बताते हैं विस्तार में। एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, बहुत ही आसान है सवाल, ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, जीरो लेवल सवाल है ये आपका क्वेश्चन, ये वाला जो है आपके यूपी टेट जूनियर में पूछा होगा था और उसी पे आधारित ये तीनों सवाल सेम ही है, लगभग एक ही जैसे हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कि पीक्यू बिंदु भुजा एबी और एसी पर स्थित है, एबी और एसी पर पीक्यू स्थित है, पीक्यू एबी और एसी पर स्थित है। अब कह रहा है कि पीक्यू पैरेलल है बीसी के, ये दोनों पैरेलल है यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा और ये कोण तो कॉमन होगा। अब दे रखा है कि पीक्यू रेखा त्रिभुज एबीसी को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है, पीक्यू रेखा त्रिभुज एबीसी को दो समान क्षेत्रफल में, यानी कि यह रेखा इस टोटल त्रिभुज को दो बराबर बराबर भाग में विभाजित करती है। तो आप 1-1 ले सकते हैं, 2-2, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, बराबर बराबर होना चाहिए। तो कह रहा है कि बीपी और एबी का रेशियो क्या होगा, यानी कि बीपी और एबी का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों। अब ये समरूप त्रिभुज प्रूफ हो चुका है क्योंकि इसका तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर। समरूप त्रिभुज में इसके संगत भुजाओं का अनुपात, इसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज एपीक्यू और एबीसी के क्षेत्रफल और इनके भुजा में रिलेशन निकालते हैं। तो दोस्तों हमें बताना है बीपी और एबी का रेशियो, यानी कि इधर वाला ही साइड लेना है, तो हम इसके सामने ये दोनों कोण के माध्यम से बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे कोण क्यू के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कोण क्यू के सामने की भुजा एपी, और यहाँ पे छोटे त्रिभुज में छोटा भुजा बड़े बराबर कोण के सामने का बड़ा भुजा, तो क्या हो जाएगा एबी। इन दोनों के वर्गों का अनुपात इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर, यानी कि ऊपर छोटी वाली भुजा लिए हैं तो छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज क्योंकि बड़ी वाली भुजा लिए हैं, ये दोनों आपस में बराबर होता है। अब समझिएगा ध्यान से, एपीक्यू का एरिया कितना हमने ले लिया है, 1 ले लिया है, और त्रिभुज एबीसी का, एबीसी मतलब इस पूरे त्रिभुज का एरिया, तो एक यहां पे पूरे त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, एक इकाई यहां पे मान ली, एक इकाई यहां, तो मान लेते हैं 2 इकाई होगा, यार पूरा टोटल क्षेत्रफल 2 इकाई हो गया, तो एबीसी के जगह पे रख दिया। तो अब यहां से एपी स्क्वायर एबी स्क्वायर, एपी अपान में एबी का स्क्वायर लिख देते हैं, या यहाँ पे जो दोनों पे स्क्वायर है उधर जाके रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एपी और एबी का रेशियो 1:√2, एपी और एबी का रेशियो 1:√2 निकल गया। एपी एपी यानी कि यहां से यहां तक लंबाई क्या निकाल लिया हमने, 1 निकाल लिया, और एबी यानी कि यहां से लेकर यहां तक टोटल लंबाई √2 आ गया, टोटल एबी की लंबाई √2 आ गया। तो यहां सोचिए कि बीपी की लंबाई क्या होगा, तो भाई एबी की लंबाई √2 है और यहां से एपी 1 है, तो यहां बीपी क्या हो जाएगा, √2-1, टोटल में से 1 माइनस कर देंगे, तो बीपी की लंबाई निकल गया √2-1। अब इसके बाद पूछ रहा है कि बीपी और एबी का रेशियो बताइए, कितना आसान है, बीपी और एबी का रेशियो बताना है आपको। अतः बीपी और एबी का अनुपात, बीपी कितना है, तो बीपी निकल गया √2-1 और एबी कितना फाइंड हो गया, √2, ये हो जाएगा बीपी और एबी का रेशियो, ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वही सेम है, इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ देता है या गुणा कर देता है, कैसे पूछता है इसी को ध्यान से समझिएगा, ये आंसर होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं दिया था, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दिया था, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा इसको मिटा करके।
आप लिख लीजिएगा। एग्जाम में दिया था ऑप्शन में, कैसे दिया था देखिएगा, बीपी और एबी का अनुपात अंडर रूट टू माइनस वन और अंडर रूट टू है। एग्जाम में ऐसे नहीं दिया था ऑप्शन, ऑप्शन जो है थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया था, इन दोनों में अंडर रूट टू से गुणा कर दिया था। अगर दोनों में अंडर रूट टू से गुणा करेंगे तो यहाँ अंडर रूट टू का गुणा होगा अंडर रूट टू टू हो जाएगा, और इसमें अंडर रूट टू का गुणा करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट टू और यहाँ पे टू हो जाएगा। तो एग्जाम में इस तरीके से दे रखा था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बात वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वही सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है चलिए समझें। दोस्तों आपको धैर्य बनाए रखना है, एक एक चीज पढ़ते रहिए, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको इस घड़ी में आपको जो है अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, हमेशा मेहनत करते रहना, डेली पढ़ाई करते रहिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु क्रमशः एबी और एसी पर स्थित है। एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कि पी और क्यू बिंदु एबी और एसी पर है, ये हो गया पी क्यू, एबी और एसी पर स्थित है। पी क्यू बीसी का पैरेलल, देखिए ये दोनों जब पैरेलल होगा जिसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ये वाला कोण कॉमन, यानी कि समरूप त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल समरूप, त्रिभुज ए पी क्यू का जो क्षेत्रफल है वो ट्रेपीजियम पी क्यू बी सी के का आधा है, यानी कि इसके क्षेत्रफल का आधा एपी क्यू है। तो हम अपने मर्जी से मान लेते हैं कि भाई चलो कोई नहीं, यहां से त्रिभुज आप चाहे तो इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, रेशियो भी बना सकते हैं, त्रिभुज एपी क्यू का क्षेत्रफल और ट्रेपीजियम पी क्यू बी सी के क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा 1:2, यानी कि पी क्यू बी सी अगर 2 है, देखिए पी क्यू बी सी कितना दिया है, 2 इकाई दिया है, तो एपी क्यू कितना दिया है, 1 दिया है, यानी कि एपी क्यू का एरिया क्या हो जाएगा 1, यानी कि एपी क्यू का क्षेत्रफल अगर 1 इकाई है तो पी क्यू बी सी का क्षेत्रफल 2 है। तो हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर हम पूरा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का बात करें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी की अगर बात किया जाए तो 2 और 1 मिलकर यह टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा। अब रिलेशन ढूंढते हैं, कह रहा है कि तो बीपी और एबी का रेशियो, देखिए इधर ही वाला पूछ रहा है बीपी और एबी का रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंगल वाले कोण के सामने क्या होगा भाई, एपी, यहाँ पे सिंगल बड़े वाले के सामने क्या होगा, एबी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर कोण के सामने की भुजा का अनुपात बराबर होता है और इन भुजाओं के वर्गों का अनुपात इसके क्षेत्रफल के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, सॉरी भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के बराबर होगा। अब यहाँ से एपी, एपी की वैल्यू और एबी की वैल्यू निकालते हैं, यह स्क्वायर उधर जाके रूट लग जाएगा, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू कितना, 1, एरिया त्रिभुज एबीसी कितना फाइंड कर लिए, तो 3 फाइंड कर लिए, और दोनों से स्क्वायर उधर जाके रूट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने एपी और एबी में रेशियो फाइंड कर लिया, ये रेशियो मिल गया आपका। यहाँ पे करते हैं सॉल्व, एपी और एबी का रेशियो करेंगे तो 1:√3 हो जाएगा, 1:√3, ये दोनों रेशियो हो गया 1:√3, इसको सॉल्व करेंगे तो। अब यहां से हमने फाइंड कर लिया एपी, एपी कितना आ गया, 1 आ गया, एपी आ गया 1, और एबी अंडर रूट 3 दिया हुआ है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 3 आ गया। यहां से बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अंडर रूट 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आ गया आपका बीपी। अब सवाल पूछ रहा है बीपी और एबी की वैल्यू बताइए, तो बीपी कितना हो गया, बीपी और एबी, बीपी हो गया अंडर रूट 3-1 और एबी हो जाएगा आपका अंडर रूट 3, ये इस सवाल का उत्तर हो गया, या इसको सॉल्व कर देगा और तो बीपी और एबी का रेशियो दे देगा, यहाँ पे गुणा कर देगा तो 3-√3 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा।
तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन वही सेम था, तीसरा वाला सवाल भी वही सेम है बिल्कुल, बस ध्यान से समझिए, कई सारा सवाल करवा दे रहे हैं आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, अब आपको कंफ्यूजन ना रह जाए कोई। यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज एबीसी में पीक्यू बिंदु भुजा क्रमशः एबी और एसी का मध्य बिंदु है। फिर से फिगर, जब आप फिगर बनाना सीख जाएंगे एक बार, कोई समस्या नहीं होगी, आप सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, ये बेसिक है, बच्चों वाला सवाल है। देखा कि त्रिभुज एबीसी में एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी, पूरा अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका रिवीजन करते रहिए, आराम से आपका पूरा पीआरटी और आपका जो भी जूनियर लेवल होगा टोटल एकदम क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस आपको क्या करना है केवल प्रैक्टिस सेट, और अभी से एकदम तैयार हो जाइए, लग जाइए पूरा अच्छे से। देखा कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा एबी और एसी पर स्थित है, भुजा एबी और एसी पर स्थित है, पी स्थित है एबी पर और क्यू स्थित है एसी पर। अब कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज करेगा, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा क्रमशः एबी और एसी पर स्थित है का मध्य बिंदु, ये देखिए मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आपको हम बताए थे ना, मिड पॉइंट जब त्रिभुज का गुण पढ़ा रहे थे उस वक्त मिड पॉइंट बताए थे, मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर ये दोनों मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है ए बी और ए सी का मध्य बिंदु अगर पी क्यू है, तो यहाँ पे जो पी क्यू होता है वो बी सी का हाफ होता है, आपको याद होगा ये हम बताए थे। अब वही चीज यहाँ पे आया, उसी पे आधारित सवाल है, मध्य बिंदु है, आर बिंदु पी क्यू रेखा पर स्थित है, देखिए पी क्यू रेखा यही है और इसी पे स्थित है आर। अब कह रहा है कि इस प्रकार से पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर का अनुपात 2:3 दे रखा है, यहाँ से पी आर की लंबाई दे रखा है 2 यूनिट और क्यू आर की लंबाई दे रखा है 3, यानी कि हम पी आर, यहाँ पे हम आर लिख देते हैं पी आर, ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है पी आर है और वो 2 दे रखा है, और आर क्यू या क्यू आर की लंबाई दे रखा है 3, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल पी क्यू की लंबाई कितना हो जाएगा, पी क्यू का 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे जो रेशियो में मान होता है ये मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं है, यूनिट कट जाता है, ठीक है, तो आप इकाई ले सकते हैं, इकाई की ये 5 यूनिट है, ये सब यूनिट में, इसको भी आप यूनिट में लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब यूनिट में लिख सकते हैं, तो हम यूनिट बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाएंगे, समझदार हैं आप, 2 और 3 का रेशियो यानी कि हो गया टोटल 5 इकाई हो गया। अब करें यदि पी आर की लंबाई 6 है, पी आर देखिए यहाँ पे ध्यान से, पी आर की लंबाई 6 है, अब देखिए रेशियो में कितना है 2 जो है 6 के बराबर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है, 2 बराबर 6 सेंटीमीटर तो 3 बराबर, आप फटाफट कर लेंगे, 2 बराबर 3 तो 3 बराबर, 2 बराबर 3 तो 1 बराबर, 2 बराबर 6 तो 1 बराबर कितना होगा 3, तो 3 बराबर कितना होगा 9, यानी कि ये हो गया 9, 2 बराबर 6 तो 3 बराबर 9। अब यहां से हमने फाइंड कर लिया यह टोटल लंबाई पी क्यू का, यानी कि पी आर हो गया 6 और आर क्यू हो गया 9, यानी कि ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहां से यहां तक हो गया 15, या हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू की लंबाई आ गया 15, डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं कि पी क्यू, यहाँ पे पी आर 2 इकाई है जो 6 के बराबर है, 2 बराबर 6 तो 3 बराबर 9, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 9 सेंटीमीटर, और पी आर और आर क्यू मिला के क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा, क्योंकि पी क्यू दोनों का योग होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा, तो पी क्यू बराबर 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर निकल गया और हमसे पूछ कह रहा है कि बी सी की लंबाई बताओ, बी सी की लंबाई देखिए कितना आसान है, बी सी की लंबाई अगर पूछ तो पी क्यू के जगह पे हम यहाँ फार्मूले में रख देते हैं 15 बराबर 1/2 BC, तो 15 दूना 30, यानी कि BC की लंबाई हो गया 30 सेंटीमीटर, तो कितना आसान सवाल है, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट बना लीजिए भाई, कि यहाँ से डायरेक्ट समझिएगा, बहुत इजी है, यहाँ से दिया है आपको पी आर और आर क्यू की लंबाई 2:3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, और इसी का ये डबल होता है, इसका ये डबल होता है, तो अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 10 होगा,
अब यहाँ से पी आर की लंबाई दे रखा है कि 6 है। देखिए पी आर दे रखा है 6 है, 2 बराबर 6 कितना गुना है, 3 गुना है। अगर यह 3 गुना है तो 5 में 3 का गुणा करो और 10 में 3 का गुणा करो, यानी कि ये पी क्यू 15 होगा तो बी सी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये सवाल का उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है, 3 गुना ऑलरेडी दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसान है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही ऐसे ही कुछ सवाल और है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी स्पर्श रेखा पढ़ेंगे, त्रिभुज के कुछ गुण और हैं जो समलंब चतुर्भुज अगर सॉरी समकोण त्रिभुज पे आधारित पूछता है, और आपका ये समबाहु त्रिभुज पे आधारित पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे और फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सर्किल वृत्त। इसी में